हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादी वाला गाजर का हलवा, वो भी बहुत ही कम मेहनत में और बिल्कुल वही टेस्ट आप पाएंगे जैसा कि आप शादियों में खाते हैं ना। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर कलर का ड्राई फ्रूट से भरा हुआ और बिना गाजर कसे बिल्कुल कम मेहनत में, बहुत कम घी में, 1 से 2 चम्मच घी में ही हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये इतना टेस्टी होगा कि आप बाहर का गाजर का हलवा लाना ही भूल जाएंगे और खुद ही बहुत कम मेहनत में इसे घर पर 15-20 मिनट में तैयार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स जो नए फ्रेंड्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो पुराने फ्रेंड्स हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं तो उन्हें देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हलवे के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली है। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया पहले और फिर उसे अच्छे से छील लिया है और ऊपर नीचे के पोर्शन को कट कर लिया है। इस तरीके से 4-4 गाजर ले लीजिए और एक साथ उन्हें नाइफ से इस तरीके से कट करते जाइए छोटे-छोटे पीसेस में। हम कोई यहाँ पर गाजर को कस नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, पर इस तरीके से अगर आप गाजर काटेंगे तो बहुत कम समय में आपकी सारी गाजर कट जाएंगी। और फिर उन्हें कुकर में डाल देना है। आप कोई भी कुकर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक लिया है फ्रेंड्स। इन सबको इस तरीके से आपको एक साथ बस डालना है। ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस भी नहीं लेने हैं और साथ में आप ज़्यादा ज़्यादा गाजर भी कट कर सकते हैं तो उन्हें ऐसे कर लीजिए जिससे कि कम से कम समय लगे। मैं आपको थोड़ा फास्ट रेसिपी बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए इस तरीके से बताया है। अब यहाँ पर 1 कप दूध लेंगे और उसको इस तरीके से आप कुकर में डाल देंगे। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी कुकर का और उसे गैस पर रख दूँगी और 1 विसल आने से पहले ही, जब विसल आने वाली होती है उस समय ही हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि अगर विसल आ जाती है, 1 सीटी भी अगर आएगी तो जिसमें हमने दूध डाला है वो चारों तरफ गंदा कर देगा और उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। 1 स्टीम के बाद में हमें इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए लो गैस पर रखना है और फिर गैस को ऑफ कर देंगे और जब पूरा उसकी स्टीम निकल जाएगी तो उसको हम इस तरीके से खोल लेंगे फ्रेंड। और फिर किसी चमचे या फिर इस तरह का कोई भी मैशर आपके पास है तो आप उससे अच्छे से गाजर को मैश कर लेंगे। कोई भी गाजर का पीस नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से आप इस तरीके से मैश कर लीजिए। बहुत इजीली हो जाता है ये पूरा काम, क्योंकि गाजर अच्छे से घुट चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे, हार्डली आपको 1-2 मिनट ही लगेंगे और सारी गाजर अच्छे से मैश हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि गाजर कसने से ही गाजर के हलवे में टेस्ट आता है, पर ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि इससे भी इतना अच्छा और टेस्टी हलवा बनता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है टेक्सचर में। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा ही है कि आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे ये बिना कसे हमने गाजर का हलवा बनाया है, और टेस्ट में भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। इस तरीके से गाजर बिल्कुल मैश हो चुकी है। अब कढ़ाई लेते हैं, उसमें 1 चम्मच घी मैंने डाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे थोड़े से, जो कि हमने इसमें डालने के लिए लिए हैं। पहले पूरा अच्छी तरह कढ़ाई फैला लें। और थोड़े से नट्स मैंने लिए हैं, यहाँ पर कुछ मैंने काजू लिए हैं और अखरोट लिए हैं। काजू को 2 पीसेस में मैंने कट कर लिया है और अखरोट के भी 2 पीस कर लिए हैं फ्रेंड्स। अखरोट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाजर के हलवे में। आपने काजू तो ट्राई किए होंगे, मेरे कहने से एक बार अखरोट भी ट्राई कर देखें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको तला है और ये सुनहरे हो चुके हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में अब जो हमने गाजर मैश करके रखी हुई थी उनको हम डाल लेते हैं। यहाँ पर सबको एज इट इज़ डाल लेंगे। थोड़ा ये केयरफुली करें, क्योंकि इसमें थोड़ा दूध रहता है तो ये ऊपर को छलकता है, तो इसलिए आपके ऊपर छींटे ना आए, थोड़ा केयरफुली ये काम करें फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से सारी गाजर मैंने इसमें पलट ली हैं और इनको अब हम चलाएँगे। और यहाँ पर हमको इसी कढ़ाई में उसे अच्छे से चलाना है जिससे कि जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है गाजर में वो सब निकल जाए। देखिए, इस तरीके से आप चलाते रहिए, जो घी है वो भी इसमें सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 1 ही चम्मच हमने घी यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इस समय घी यूज़ ना करें। बाद में हम इसमें 1 चम्मच और मिलाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे घी को ज़्यादा यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बाद में हम डालेंगे तो ऊपर से शाइनिंग आएगी हलवे में, तो मैं आपको बताऊँगी किस टाइम पर आपको घी ऐड करना है। बस अभी आपको चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए उसे चलाना है। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम में ही रखी है जिससे कि हम थोड़ा जल्दी से जल्दी ये जितना भी मॉइस्चर है इसमें दूध का वो सब हम इस तरीके से करें कि वो सारा मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लें गाजर। और अब यहाँ पर मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ, 250 ग्राम चीनी है फ्रेंड्स, क्योंकि गाजर में भी अपना मीठापन होता है। 1 किलो गाजर के लिए 250 ग्राम चीनी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दें।
गैस को हाई पर ही रहने दें और बहुत जल्दी ये सब कुछ ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा हमारे गाजर में, क्योंकि हम चीनी इसमें डाल चुके हैं। चीनी से भी गाजर का कलर थोड़ा डार्क होता है। देखिए पहले से कितना डार्क लग रहा है। अब मैंने कवर इसका खोल दिया है और इसको कंटिन्यूस चला रही हूँ, जिससे कि जितना और बचा हुआ मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और ड्राई फॉर्म में हो जाए। उसके बाद ही आपको बताऊंगी क्या करना है। फ्रेंड्स बिल्कुल इसे ड्राई कर लेते हैं पहले। देखिए बीच बीच में आपको थोड़ा सा पानी इसमें दिख रहा होगा, मैं आपको सेंटर में से करके दिखा रही हूँ। इसे हमें बिल्कुल ख़त्म करना है, इससे पता चल जाएगा कि इसमें पानी है या नहीं। अगर आप साइड में देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ख़त्म हो गया, पर अगर सेंटर में इस तरह से होल करेंगे तो जितना भी मॉइस्चर होगा वो सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा। वो आपको बिल्कुल सुखाना है, वरना गाजर का हलवा बनाने के बाद में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि लिक्विडी है और उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि ड्राई हलवे का आता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने घी के लिया है, उसे अब इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑलमोस्ट सारा इसका पानी सूख चुका है, थोड़ा बहुत रहा है वो इसके साथ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसे कंटिन्यूस इस तरीके से चलाएं ताकि घी सारे गाजर के हलवे में पूरा अच्छे गाजर में मिक्स हो जाए। देखिए अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है, उसको मैं आपको ड्राई करना दिखा रही हूँ। अब इस स्टेज पर हम इसमें एक कटोरी मावा यूज़ कर रहे हैं। एक कटोरी मावा यानी कि यहाँ पर ये 100 ग्राम के करीब मावा है। इसको अच्छे से इसमें डालकर मिक्स करते जाएंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। मैंने यहाँ पर ग्रेट कर नहीं लिया है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। तो बिना ग्रेट करे भी, क्योंकि गाजर बहुत गर्म है इस समय पर, ये बहुत इजीली इसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बिना ग्रेट करे यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप सारे में मिक्स कर लें। ये प्रोसेस हमने तभी किया है जब इसका पानी ड्राई हो चुका है फ्रेंड्स, ये बात ज़रूर ध्यान रखें, वरना आपका गाजर का हलवा थोड़ा लिक्विडी रहेगा और मार्केट जैसा टेस्ट उसमें नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने मावे का यूज़ किया है, जिसे कि खोया भी कहते हैं। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह 1/2 कप यानी कि 100 ग्राम के करीब आप मिल्क पाउडर यूज़ कर लीजिए, तो भी ये उतना ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं और ये अच्छे से पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। मावा फीका नहीं लगना चाहिए, इसलिए गाजर में अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल प्रोसेस मैंने 15 मिनट में कर ली है फ्रेंड्स। 15 मिनट में गाजर का हलवा इतना टेस्टी और इतना प्यारा कलर इसका आ चुका है फ्रेंड्स। अब मैंने गैस ऑफ कर दी है और 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रख दूंगी। इतना अपना प्लेटिंग की तैयारी हम कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक बेसिक टिप देती हूँ गाजर के हलवे बनाने के लिए। जो आप गाजर यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बीच में उसका येलो पोर्शन कम से कम होना चाहिए फ्रेंड्स, और जितना हो सके ये रेड कलर की होनी चाहिए। ब्राइट रेड कलर की जो गाजर होती है उनका हलवा ज़्यादा टेस्टी बनता है और ज़्यादा उनमें मिठास भी होती है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट कर लें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हलवे की प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर हलवा बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है इसका फ्रेंड्स। बिल्कुल लग रहा है ना जैसे शादियों में हम खाते हैं हलवा गाजर का, और बिना किसी मेहनत बिना किसी झंझट, कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि हमने इन्हें ग्रेट नहीं किया है और सिर्फ हमने मैश कर ही बनाया है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर अब हम इसे गार्निश कर देते हैं अपने ड्राई फ्रूट से, जो कि हमने पहले से ही घी में सेक कर रख लिए थे और देखने से कितने सुंदर लग रहे हैं। थोड़े से मैं पिस्ता से भी यहाँ गार्निश करूँगी ताकि ग्रीन कलर भी आ जाए, क्योंकि रेड कलर इसमें ऑलरेडी हमने गाजर के हलवे का दिया है, और थोड़ा सा हम इस पिस्ता लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और साथ ही मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क भी लगाया है, ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको शादी वाले हलवे की फीलिंग आए। तो फ्रेंड्स इस तरह का इजी और झटपट से तैयार होने वाला गाजर का हलवा एक बार ज़रूर बनाकर देखें और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें फ्रेंड्स। चलिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।